नाफरमानी कर दो, ये किसका नारा था? सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाले, सदाएं देने वाले, अब तुम्हें पता चला सिविल नाफरमानी क्या होती है? इस वजीर आजम और इसके मुआविनीन, इनको रात को नींद नहीं आई होगी। डी चौक के सामने जो बड़ा घर है वहां रात सब रत जगा हुआ होगा, क्योंकि पेज फट गया। अब समझ आई पेज क्या होता है? दूसरी बात, आपको याद होगा हर बात पे कहता था विकेट उड़ा दी, और हमने विकेट उड़ा दी। अब समझ आई बिलावल भुट्टो ने कैसे विकेट उड़ाई? अब पता चला बच्चा क्या होता है? अब समझ आई? बड़ों ने आपस से बात कर ली और निक्के को ट्वीटों पे लगा दिया। निक्का सारी रात बैठकर अपने वो जो मुआविनीन है, जो अब दूसरी जगह पर्चियां भेज रहे दूसरी पार्टियों में कि हमारी जगह बनाओ, वो सारी रात बैठ के ट्वीटों पे लगा रहा और बड़ों ने आपस में बात तय कर ली। शर्म का मुकाम है कि चंद बहादुर अफसरों ने, सिंध के बेटों ने तुम्हारे इक्तदार को जूते की नोक पे रख के ठोकर मार, और तुम कहीं नहीं थे। तुम कठपुतली से आगे कुछ नहीं। ये आपने चंद दिन पहले देखा था कि इसने न सिर्फ अपनी मुखालिफीन को, अपोजिशन को, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी, इसने धमकी लगाई कि जल्दी करें केसों के, जल्दी बनाएं इन पर। ये आदमी और इसने जस्टिस फायज ईसा के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए फिर अपनी बिल्ली फोर्स का कन्वेंशन सेंटर में खड़े होकर उनको जब अपना जहर उगला, उसके बाद ये होना लाजिम था। आप याद रखें कि हर वक्त तहज्जुद के वक्त अगर कहीं शैतानी चरखा चलता है ना, चाहे वो यहाँ हो पंजाब में गद्दारी के मुकदमे हो या सिंध में, तो उसका कनेक्शन वजीर आजम हाउस से होता है। इसने अपना शैतानी चरखा चलाया और इसने वहां खड़े होकर झुकते लगाई और इसने कहा मैं देख लूंगा। अब देखा, अब बैठकर जख्म चाटो। दूसरी